गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार, मैं राज सिंह वर्मा आपका दोस्त। आज आप और हम होंगे फिर से हम कदम गंगा गौरव के इस सफर पर। आज गंगा गौरव में हम रूबरू होंगे उस व्यक्ति से जो देश के स्वाधीन इतिहास के प्रथम उज्जवल सूर्य थे और उस सूर्य ने भारत को नया दिन नया प्रारंभ दिया। कैसे उन्होंने चुना देश के प्रति कर्तव्य को परिवार से पहले, कैसे उन्होंने तय की छोटे से गांव से लेकर भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान होने तक का सफर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके स्वभाव में नम्रता बहुत थी। वो तो ये बिलीव करते थे कि महापुरुषों से तो प्रेरणा मिलती ही है, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी आपको प्रेरणा के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। देश के छात्रों के मन में क्या है ये देश का कोई अपना ही समझ सकता है। एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। एक ही राजेंद्र हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि सारा हिंदुस्तानी राजेंद्र प्रसाद। जानते हैं इस वक्त मैं कहाँ हूँ? बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में, जहाँ आज भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पुश्तैनी घर है। आइए चलते हैं अंदर। मेरे पीछे जो कमरा है इसी में जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 3 दिसंबर 1884 को। इसी आंगन ने देखा है उस दिग्गज पुरुष के बचपन को। इसी घर में शुरुआत हुई थी एक नई विचारधारा की। इसी घर के आंगन में वो पढ़े थे, एक मौलवी विदूषक ने उन्हें शिक्षा दी थी। उनका बचपन का तालीम है सो यहाँ से 2 किलोमीटर दक्षिण एक महमूदपुर गांव है, वहाँ एक मौलवी थे, उनसे उनकी शुरू वाली तालीम, बचपनी वाली तालीम जो है अरबी से हुआ। और उसके बाद जो कुछ अरबी उर्दू जाने उसके बाद यहाँ से उत्तर लगभग 15-20 किलोमीटर उत्तर हथुआ राज है, वहाँ स्कूल है, उसी में उनकी तालीम हुई। गांव के प्राथमिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने छपरा डिस्ट्रिक्ट स्कूल में अपना दाखिला करवाया। इन सब के बीच छोटी सी उम्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, पति धर्म की जिम्मेदारी। 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई राजवंशी देवी से। छपरा डिस्ट्रिक्ट स्कूल के बाद उन्होंने अपना एडमिशन कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में लिया 1902 में। और जब 1904 में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया तो एक आंसर शीट में एग्जामिनर ने लिखा, एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। से साफ पता चलता है कि बहुत मेधावी छात्र थे, क्योंकि परीक्षक खुद मानते थे कि डॉक्टर प्रसाद उनसे बेहतर थे। इसके बाद वो वहीं रुके और एमए की डिग्री उन्होंने वहीं से हासिल की सन 1907 में। सर आशुतोष मुखर्जी को वो कहते थे कि वो प्रेरणा के पात्र हैं। सर आशुतोष मुखर्जी वहाँ पे वाइस चांसलर थे और ये वहाँ पर थ्रू आउट टॉप करते रहे थे। ये इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। जैसे ही इन्होंने एमए कर लिया, डबल एमए और एलएलबी करके एलएलएम के लिए गए थे, इनको सीधे हिस्ट्री, इंग्लिश और लॉ का प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया था उन्होंने। बांग्ला जानते थे, उनके दोस्त थे, क्लासमेट कहिए, कलकत्ता के जस्टिस मजुमदार, वो जब आते थे तो उन दोनों, वो बाबा से उसी तरह जैसे दो दोस्त मिलते हैं बचपन में, जैसे मतलब उस उम्र में जैसे मिलते होंगे, वो उसी तरह से राजन राजन कह के बाबा से बात करते थे और बंगला में ही बात करते थे। उनकी राइटिंग्स को मैंने जब मैं पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी उनके इन्फ्लुएंस के, कितने उनके सेमिनल इन्फ्लुएंसेस थे इसका मुझे पता चला। वो तो ये बिलीव करते थे कि महापुरुषों से तो प्रेरणा मिलती ही है, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी आपको प्रेरणा के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तो वो कहते थे हर वक्त
इंसान को दूसरे की अच्छाई को पहचान के और उसको अपने अंदर लाने में एक तरह से इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। क्या क्योंकि हम लोगों के आसपास जिनसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं सब में कोई ना कोई गुण है जिससे हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। कई महाविद्यालय की प्रोफेसरी करने के बाद सन 1916 को वो पटना के विश्वविद्यालय के सेनेट मेंबर बने और साथ में हाई कोर्ट में वकालत भी शुरू कर दी। वो काफ़ी परिश्रम करते थे और ईमानदारी से 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम करते थे, थकते नहीं थे। तो वो इसलिए कि उनमें उतना डेडिकेशन था, उतनी प्रतिबद्धता थी जो काफ़ी अनुकरणीय है, उतना समर्पण था देश के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, और वो काम करने की इच्छा ही उनको जीवंत बनाए रखी। तेज बुद्धि के धनी और समाज के प्रति जागरूक और संवेदनशील होने के कारण वो सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं सोचते थे बल्कि समाज के विभिन्न तबकों के बेहतरी के बारे में भी सोचते थे और उसके लिए ठोस कदम भी उठाते थे। बाबूजी, मैंने जो सुना क्या वो सही है? क्या सुना है? यही कि आप एक अलग तरह की शिक्षा संस्था की स्थापना कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक संस्थान नहीं, विद्यापीठ, जहां विद्या छात्रों के सिर्फ दिमाग में ही नहीं मन में भी बसे। लेकिन बाबूजी, उन तमाम कॉलेजों और स्कूलों का क्या जो अंग्रेज चला रहे हैं? गलत नहीं है, लेकिन देश के छात्रों के मन में क्या है ये देश का कोई अपना ही समझ सकता है। मैं समझ गया बाबूजी, आप सही हैं। मैं चलता हूं। सन 1921 में उन्होंने मौलाना मजहर उल हक के साथ मिलकर बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद का दाखिला बिहार विद्यापीठ में करवाकर यह साबित कर दिया कि उनकी सोच केवल सोच नहीं थी, वो अपनी सोच का पालन भी जीवन में किया करते थे। मृत्युंजय प्रसाद वर्मा इसी बिहार विद्यापीठ से वो ग्रेजुएट हुए थे और वो किसी सरकारी स्कूल में या किसी बड़े स्कूल में नहीं, यहीं के स्कूल से पढ़े थे। अभी वर्तमान में उनकी बेटी मृत्युंजय प्रसाद वर्मा की बेटी और राजेंद्र प्रसाद की पौत्री इस संचालक मंडल में मंत्री की हैसियत से सेवा कर रहे हैं। एक आरामदेह जीवन, मनपसंद काम, अच्छी आय, फिर क्या हुआ उनकी जिंदगी में जिससे उनके जीवन का पूरा रुख ही बदल गया? क्या सही होगा जो मैं सोच रहा हूं? क्या वही सही है, देश के प्रति कर्तव्य या परिवार के प्रति? किसका चुनाव सही है? नहीं, चुनाव का तो सवाल ही नहीं होता। देश ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे बचेगा? असहयोग आंदोलन इस समय की पुकार है और मैं पीछे नहीं हट सकता, कभी नहीं। एक तरफ अपने परिवार की जिम्मेदारियों का पालन पोषण करते थे वकालत और प्रोफेसर की नौकरी के जरिए, और दूसरी तरफ था असहयोग आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता की सीढ़ी। क्या चुनाव आसान था? असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी के बीच में घनिष्ठता बढ़ी। उनका इनकार्सरेशन था वो 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उनका रहा था। उससे पूरी तरह से वो इत्तेफाक नहीं करते थे कि 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने कहा तो उनकी बात वो मान के उसी में पूरी लग गए, उसे पूरा कराने में लग गए थे।
बिहार विद्यापीठ से सटा सदाकत आश्रम में डॉक्टर प्रसाद ने अपने बाकी का जीवन व्यतीत किया। तो राजेंद्र बाबू यहाँ पर 1921 से 1946 तक जो स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किए बिहार विद्यापीठ परिसर स्थित इसी मकान से लगभग 25 वर्षों तक यहाँ से गांधी जी के मार्गदर्शन में उनके विचारों को उनके आंदोलन को बिहार में मुख्य रूप से उसका संचालन करते रहे। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी दिल्ली में तब यहाँ से वो खाद्य आपूर्ति और कृषि मंत्री का पदभार ग्रहण करने 1946 में यहाँ से गए। समन्वय एवा साधु, कॉन्कॉर्ड अलोन इज द सुप्रीम गॉड। ये स्वाधीनता के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन बनने के बाद उनके द्वारा दी गई पहली स्पीच में से ये लाइंस मैं कह रहा हूँ। उन्होंने अशोका के बारे में कहते हुए कहा था, कॉन्कॉर्ड अलोन इज द सुप्रीम गॉड। ये लाइन राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व और काम को भी दर्शाता है। जीवन के अध्याय के बाद भारतीय स्वतंत्रता में खुला एक नया अध्याय। 13 मई 1952 वो स्वर्णिम जब देश के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम साधनों को सुरक्षित रखें और मितव्ययता द्वारा कुछ चीज़ों के आयात पर प्रतिबंध, निर्यात व्यापार के विस्तार और उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में वृद्धि द्वारा इन साधनों का विस्तार करें। इस बात की भी ज़रूरत है कि उत्पादक कार्यों के लिए धन जुटाया जाए, अनुत्पादक कामों को हाथ में न लिया जाए और अति संग्रह और सत्ते की समाज विरोधी प्रवृत्तियों का दमन किया जाए। केवल सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि जनता द्वारा भी प्रयत्न करने और सावधान रहने से ही इस काम में ठोस सफलता प्राप्त हो सकती है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण कार्य में सुधार को बनाए रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। His tenure of 10 years. वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने दो बार लगातार ये पद संभाला, वो भी 10 सालों तक। और drew the contours of the relationship। राजेंद्र प्रसाद अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पत्रों का आदान प्रदान करते थे। उन पत्रों का हाल ही में संकलन किया गया है जिसे पता चलता है कि कभी भी उनकी बातचीत में कोई कड़वाहट नहीं थी। वे सुलझे हुए व्यक्ति की तरह एक मुद्दे को निपटाने के बाद ही दूसरे मुद्दे को हाथ में लेते और यही राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व को बयां करता है। In a very, not probably in a very direct way, but indirectly to keep a watch on the way the entire exercise of governance is going on. वो जब आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बन के यहाँ आए, लोगों में और इस इलाके के लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमारा एक बच्चा है सो राष्ट्रपति बना। और वो बोल रहे थे, बहुत सारे लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, भाई थे, दादा थे, जो भी यहाँ लगने वाले थे, उन लोगों से कहें कि देखिए मैं तो उत्साहित हूँ, आप भी उत्साहित हैं, इतना कि हमको मालूम पड़ता है कि जमीन छोड़ के आसमान पर उड़ रहे हैं। लेकिन हमको तब खुशी मिलेगी जब, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर कि अगर 1 बीघा जमीन में हम गन्ना रोपें और 1-2 गन्ना जो है सो आसमान छू दे, तब मंजाय नहीं गिरेगा, बल्कि पूरा खेत का गन्ना जो है वो आसमान छू दे, तब हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और मंजाय भी बढ़ जाएगा। तो इसी मिसाल के तौर पर राजेंद्र बाबू जैसे आप लोग बनिए ताकि पूरा हिंदुस्तान और दुनिया वाले इस पर गर्व करें कि एक ही राजेंद्र हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि सारा हिंदुस्तानी राजेंद्र। किसी
किसी चीज़ में दृढ़ होते हुए भी बहुत नम्र थे। कोई चीज़ ये सही है उस पर वो बच लगे रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में नम्रता बहुत थी, बहुत ऐसे स्वभाव, किसी से कड़े होके को कोई बोल नहीं सकते थे, कभी नहीं बोलते थे, जिससे भी बोलना हुआ कुछ भी हुआ। जो बड़ी बहन थी वो भी फ्रीडम स्ट्रगल में वो भी लगी हुई थी, तो वो भी जेल वगैरह में गई थी, वो MLC एक बार इलेक्ट हो गई थी। तो जब ये गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले उनका छोड़वाया, कहा कि नहीं आप नहीं, आप MLC अब नहीं बनी रहेंगी। अच्छा, वो इनसे काफ़ी बड़ी थी, उनको मदर की तरह वो तो ट्रीट भी करते थे। तो मुझे अभी तक याद है कि वो इत्तेफाकन उस समय पढ़ ओढ़ नहीं पाई थी वो, लेकिन बहुत बड़ी इंटेलिजेंट थी, हम लोग उनको बुढ़िया या कहा करते थे। हम लोगों के सामने वो डांट देती थी उनको, और वो मुस्करा देते थे, वो उनको भी और उनकी वाइफ दोनों को डांट देती थी वहाँ पे। तो एक बार हम लोग जब हो गए तो उनको डांटने का अभी तक हमें याद आ रहा है, देखो एक जवाहरलाल है अपनी बहन को गवर्नर एम्बेसडर बनाए हैं, और एक तुम हो कि हमारी जॉब ही छुड़वा दी। तो उसको देख के वो बड़े हंसे हैं वहां पर सबके। जब मेरा हाई स्कूल का इम्तिहान था, उन्होंने इतनी अच्छी चिट्ठी हमको लिखा था कि देखो ये आगे के लिए तुम्हारा रास्ता अभी खुलेगा, अभी इस वक्त जितना अच्छा करोगी उतना ही तुम्हारा आगे जो भी चाहोगी वो करोगी। हमारी मदर सबसे बड़ी ग्रैंड डॉटर, उन्होंने एक ही कन्यादान किया था, हमारी मदर ही का उन्होंने किया था। हम लोगों की दो तीन बहनों की, दो तीन तीन चार बहनों की, जब तक बाबा चरखा काट सकते थे, काटते थे, तो उनके ही सूत की बनी हुई थी, बाबा दादी और बाबूजी, दादी बाबा बाबूजी के, इन लोगों के सूत के, वो चरखा चरखे से सूत काटा था इन्होंने, उसी सूत की साड़ी बनवाई थी, और उसी को हम लोग के यहाँ हल्दी में रंग के अंगोटा चढ़ा के कन्यादान किया जाता है, और बाबा ने ही हमारा कन्यादान किया था, बाबा और इया ने। तो वो साड़ी उसी रंग के वैसी सूती साड़ी, बाबा की सूत की साड़ी हमारी थी कन्यादान की। मेरी शादी के बाद यहाँ मैं जब आई तो हमारी सास मेरी अम्मा को बहुत शौक था तरह तरह के कपड़े पहनाने को, और हम लोग शुरू से खादी पहनते थे अपने घर में, हमारे यहाँ सभी बच्चे पैदा हुए तब से, मतलब हमेशा खादी ही पहनते थे, हमारे सब साड़ी खादियाँ के, खादी की ही सब साड़ियाँ मिली थी। तब अम्मा ने जब कहा दिया कि ये पहनो, तो हम पहन लिया हमने। यहाँ से गोरखपुर से किसी ने वहाँ राष्ट्रपति भवन में चिट्ठी लिखा कि जब आपके घर की लड़कियाँ ऐसा करेंगी तो हम अपने लड़कियों को क्या सिखाएंगे। वो चिट्ठी बाबा को मिली, फिर हमको उनके सेक्रेटरी ने बाबा के पास बुलाया, वाल्मीकि चाचा हम लोग कहते थे, गए हम, बाबा ने कहा कैसे, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो कहेंगी तो वो तो करना ही पड़ेगा, वहाँ रह के किसी से बैर तो करना नहीं है, लेकिन जब ये इनके अशोक के पापा वहाँ गए तो खुद तो नहीं कहा, वाल्मीकि चाचा से कहलाया कि इसको खादी छोड़ कर दूसरा मत पहनाइए। उसके बाद से मैंने आज हो गया अब तक खद्दर ही पहना है, फिर मैंने कोई और दूसरा कपड़ा नहीं। और फैमिली में जब आ जाता है तो ड्यूटी को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये हमेशा उनका कहना था। परिवार के लिए तो हमारे बाबा थे, तो वो चाहे राष्ट्रपति होते चाहे कोई साधारण होते, लेकिन हमारे तो बाबा थे, हमारे बच्चे लोग भी सभी उनको बाबा ही कहते थे, क्योंकि उनके नाना हुए पर नाना हुए, लेकिन ये लोग सब कोई बाबा कहते थे। बल्कि एक बार हंस के कहने लगे कि ये सब भी हमको बाबा ही कहते हैं। हमारे अशोक हैं वो बड़े बेधड़क, बहुत बिल्कुल नहीं डरते थे। रात को एक बार हमको रामायण पढ़ना था या कुछ करना था, रात के 9 बज गए होंगे या 10 बज गए होंगे,
और सब लोग अपने कमरे में थे राष्ट्रपति भवन में, हमारी रामायण नहीं मिल रही थी। ये धड़धड़ा के चले गए, बाबा के कमरे में गए, बाबा उठ गए, क्या बात है, अम्मा ने रामायण मांगी है, उठा के ले आए। हालांकि कोई बाबा के कमरे में घुस नहीं सकता था, उस रात को मतलब चारों पहरा रहता था, ये वो, इनको कौन रोकता, ये गए वहाँ से मांग के रामायण लेके चले। एक बार यूरी गगारिन आए थे राष्ट्रपति भवन में, तो हम लोग सब कोई मिलने गए, ये छोटे थे, इनसे छोटा वाला लड़का हमारा छोटा था, उसको हम लेके नहीं गए, हमने कहा छोटे बच्चे को लेके अच्छा नहीं लगेगा, आका वहीं कोई बोलने लगे कुछ करने लगे। लौट के आए, बाबा से सब बात हो तो हम लोग करने लगे कि वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था, ये वो, मतलब सब हम लोग आपस में बात करने लगे। कहा तो फिर ये उसने शायद शिकायत किया या इन्होंने शिकायत किया बाबा से, उसको ले कर नहीं गई थी। बाबा ने कहा ये तो बच्चों को ही देखने की चीज़ें हैं, क्यों तुम छोड़ के जाओगे, उसको ले कर जाना चाहिए था। तो हमको लगा कि उस वक्त उसको क्या समझ में आएगा कि गगारिन है और एस्ट्रोनॉट है ये है, लेकिन अब लगता है कि बाबा ने ये सोच कर कहा कि आगे चल कर उसको पता चलता कि हम भी उससे मिलने गए। 1962 में उन्होंने अपनी संपूर्ण विचारधारा को सौंप कर अपना आखिरी विदाई भाषण पार्लियामेंट को दिया। उसके बाद वो राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट लेकर वापस सदाकत आश्रम लौटे। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से ये मकान उनके अनुकूल नहीं था, क्योंकि वो दमा के पेशेंट थे, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण के सहयोग से इस बगल में जो राजेंद्र स्मृति संग्रहालय आप देखें उसका निर्माण कराया। पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश के सुपुत्र कर दिया, खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इस लंबे व्यस्त कार्यकाल के दौरान उनकी पत्नी राजवंशी देवी ने उनका पूरा साथ दिया, जब वो जीवित थी तब भी और उनकी मृत्यु के बाद भी। बारह साल की छोटी सी उम्र में राजवंशी देवी के साथ जो गठबंधन नियति का बंधा था वो समय के साथ साथ और भी मजबूत होता चला गया। इतना मजबूत कि अपनी पत्नी की मृत्यु के ठीक 5 महीनों के अंदर वो भी चल बसे, पंचतत्व में विलीन हो गए। मैं कुल 8 साल का था जब उनकी डेथ हो गई। मैं तब अपने पेरेंट्स के साथ इलाहाबाद में था। हम लोग गए थे फ्लाइट लेके, वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उस समय टेलीफोन तो होता नहीं था और डेथ हो गई थी रात को। सवेरे उन लोगों को खबर मिला कि मैं तैयार हो रहा था, मेरे छोटे भाई का उसी दिन बर्थडे था। रात के फंक्शन के लिए तैयारी हो गई थी, तभी पेपर आया। तो पेपर को देख के हमारे फादर ज़रा घबरा गए, काफ़ी ज़्यादा घबरा गए देखा, तो तभी पता चल गया कि सारे स्कूल्स वगैरह सब लोग बंद हैं। फ्लाइट लेके उसी वक्त हम लोग वहाँ से इलाहाबाद से पटना पहुँचे, सब लोग इकट्ठा थे और अल्टीमेटली वेट किया था वहाँ पर, किया गया था कि जब तक हम लोग आके अपने आखिरी रेस्पेक्ट्स न पे कर लें तब तक मेरे नाना उनके बड़े लड़के तब तक क्रीमेशन नहीं हुआ था, वहीं पर सब डिग्निटरीज वगैरह सब थे वहाँ पे, तो वो आखिरी मेमोरी बनी है मेरी। 3 डॉक्टरेट की डिग्रियाँ, असंख्य संस्थानों से जुड़ाव, सामाजिक विकास के लिए अनगिनत कदम, शिक्षा प्रणाली के लिए इतनी अच्छी सोच, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक विदूषक को थे ही, साथ में सागर समान व्यक्ति भी थे जिनकी गहराई को समझना हम सबके लिए मुमकिन नहीं था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति को गंगा गौरव के कोटि कोटि नमन। मेरा हम सफर बने रहने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।